वेलकम टू ENT चैनल। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इस समय तो काफ़ी संभव है कि आपको आपके बेबी के लिए किसी ने बेरा टेस्ट रिकमेंड किया होगा। बेरा टेस्ट ब्रेनस्टेम इवोक रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री एक तरीके का टेस्ट है जो ब्रेन में उठने वाली तरंगों को पता करता है जब बेबी के कान में कोई आवाज़ दी जाती है, क्योंकि छोटे बच्चे वर्बली नहीं बता सकते कि उनको कान में कोई आवाज़ सुनाई दी नहीं सुनाई दी। हम सिर्फ उनकी आवाज़ से उनके रिस्पॉन्स देखकर पता कर सकते हैं कि शायद उनको ये आवाज़ सुनाई दी। बहुत छोटे बच्चों में तो ये भी पता कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में इलेक्ट्रिकल टेस्ट का सहारा लिया जाता है। तो छोटे बच्चों को कुछ सेडेशन दे के उनको सुला दिया जाता है और उनको उनकी ब्रेन में उठने वाली तरंगों के लिए इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। यूजली 3 इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, एक फोरहेड में जिसे ग्राउंड इलेक्ट्रोड बोलते हैं, एक कान के पीछे और एक वर्टेक्स पे। तो जब इसको स्टडी करते हैं तो लगभग 7 तरंगे उठती हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट तरंग होती है वो बीच वाली होती है, जिसे 5th वेव कहा गया है। जो ये 7 तरंगे हैं ये एक डेफिनेट पैटर्न में उठती हैं और ये जो हमारी जो साउंड वेव है जो कॉकलिया से इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट हो गई है, वो 8th नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन का एक पार्ट जिसे ब्रेनस्टेम बोलते हैं उसमें डिफरेंट सेंटर्स पर जाती है। मैं ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, बस इस वीडियो को बहुत सिंपल से रखने की कोशिश करूँगा ताकि आम लोग इसको समझ सकें। तो उन वेव के पैटर्न से हमें पता चलता है हाँ ये बेबी उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। नॉर्मली 70 डेसिबल से स्टार्ट किया जाता है और इसको वाइड स्टिमुलस रखा जाता है। 10 से 15 डेसिबल के इंटरवल पे इसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है और देखा जाता है कि वो पॉइंट जिस पे जस्ट ये वेव आना बंद हो जाता है उसको हम थ्रेशोल्ड बोलते हैं, कि ये वो पॉइंट है हाँ इस फ्रिक्वेंसी पे इस इतने डेसिबल का हमें इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स मिला। और जो भी वो रिस्पॉन्स मिलता है उससे 10-15% ऊपर या नीचे उसका थ्रेशोल्ड होता है, नॉर्मली उससे बेटर ही होता है थ्रेशोल्ड। सो ये बेरा टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके और भी बहुत एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जैसे आप न्यूरोलॉजी में पढ़ेंगे, जैसे एपिलेप्सी। कई बार एपिलेप्सी में MRI नॉर्मल होता है, माइग्रेन में तो MRI और इलेक्ट्रिकल टेस्ट भी अक्सर नॉर्मल ही मिलते हैं। सो एपिलेप्सी में बट आप देखेंगे जब उनका EEG करेंगे तो एक डेफिनेट वेव आती है जिससे न्यूरोलॉजिस्ट को पता चलता है हाँ ये एपिलेप्सी है, इसमें इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम है जिससे उसको दौरा पड़ रहा है। उसी तरह हार्ट में ये ECG होता है, ECG करके पता चल जाता है कि ये आर्टेरियल फिब्रिलेशन का हार्ट का प्रॉब्लम है उसके, ये हार्ट तेजी से बीट कर रहा है, वो ठीक से रिदमिकली बीट कर रहा है नहीं कर रहा। तो हर बट कान में ऐसे नेचुरल वेव नहीं उठती, बट वो वेव तब उठती हैं जब कोई साउंड आती है, उसके रिस्पॉन्स में ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है। बस हम उस रिस्पॉन्स पैटर्न को देख के बता सकते हैं कि जो वो पाथवे है वो ठीक है या नहीं है। बहुत सारे ऐसे टेस्ट है जिसमें MRI कान का नॉर्मल होता है बट पेशेंट को ऐसा लगता है ठीक सुन भी रहा है बट वो उसको समझ नहीं पाता। तो कई बार 8th नर्व में भी प्रॉब्लम होती है जिसे हम ऑडिटरी न्यूरोपैथी कहते हैं, उसमें ऑटोकॉस्टिक एमिशन ऑडियोमेट्री तक नॉर्मल आती है बट स्टिल पेशेंट समझ नहीं पा रहा होता। तो ऐसे केसेस में बेरा बहुत ही यूजफुल है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेरा टेस्ट के बारे में ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।